alaikum everyone. Hello everybody. How are you all? I hope you guys are doing well. And Alhamdulillah, I'm good too. So guys, welcome back to my channel after so long. Alhamdulillah, I'm back to my workplace. Um, if you guys not know, I'll tell you why I was not on my channel. Uh, basically, I went for Umrah. Alhamdulillah. और मैंने उसके लिए फिर ब्रेक लिया था बट मैं उम्र से लास्ट मंथ आ गई थी बट कुछ बहुत ज़्यादा फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से और बिज़ी रहा सब कुछ तो फाइनली आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आई हूँ अपने वर्क प्लेस पर पहले भी मैं घर आई थी बट मैं वर्क प्लेस पर नहीं आई थी ऊपर छत पर मेरा बिल्कुल चक्कर नहीं लगा था सो अब मैं कुछ एक दो दिनों के लिए रहने आई थी सो so, मैंने सोचा कि आज तो मैंने लाजमी इन शाना है अपनी वर्क प्लेस पर अपने टेक्स्टर्स के पास और अपने सब्सक्राइबर्स से लाजमी मिलना है लाजमी उनको अपडेट देनी है कि मैं क्यों चैनल से गई थी वैसे तो मैंने अपडेट कर दिया था कम्यूनिटी पोस्ट में बता दिया था सबको और अलहमदिल्ला मुझे बहुत सारे लोगों की बेस्ट विशेज़ आई थी और इतने लोगों ने मुझे दुआओं का कहा था मैंने सबकी दुआएं जिन जिन ने मुझे मैसेजेस किए थे कमेंट्स किए थे सबकी मैंने नाम ले लेके मेरी पूरी कोशिश थी कि सबके लिए जितनी दुआ हो सकती है सबके लिए करूं और अपने सब सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने सबको आप सबको मैंने अपनी दुआओं में याद रखा और सबके लिए बहुत सारी दुआएँ की सो so, अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा उम्र बहुत ज़्यादा मतलब मैं नहीं बता सकती वर्ड्स में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि कैसा एक्सपीरियंस था अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने घर बुलाएं हम सबको और जिनकी जो जो परेशानियाँ जो जो मुश्किल हैं सब दूर फरमाएं आमीन आमीन और ये ऐसी साधत है जो हर किसी को नसीब हो लाइक like, अल्लाह ताला हम सबको बुलाएँ और बार बार, बार बुलाएँ अपने घर सो so, अलहमदिल्ला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और फिर लास्ट मंथ ट्वेंटी फोर्थ को आई थिंक हम वापस आ गए थे और uh, उसके बाद बस फैमिली में uh, कुछ uh, मेहमान वगैरह आए हुए थे उनके साथ बिजी उसके बाद फिर थकावट भी इंसान को काफ़ी हो जाती है और उसके अलावा रिसेंटली मेरी दोस्त की शादी चल रही थी तो मैं उसमें भी बिजी थी और अभी भी स्टिल चल रही है वीकेंड पे शादी है बट um, मुझे इन दिनों में uh, टाइम मिला कल मैं आई थी अपने घर और uh, वापस मामा की तरफ और uh, कल तो नहीं मैं ऊपर आ सकी लेकिन आज मैंने कहा था कि आज मैंने लाजमी ऊपर जाना है और काम करने हमें इतना इतना मैंने मिस किया आप सब लोगों को कि मैं बता नहीं सकती मैंने वीडियोस uh, अपने टेक्सचर्स को बहुत मिस किया आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना बहुत मिस किया बट अब मैं वापस आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अब आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अमेजिंग सा कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश होगी और मेरी सीरीज़ चल रही थी एड के सेलिब्रेशन की जो कि मैंने फिर बीच में रोक दी थी क्योंकि मैं सिर्फ चार पार्ट ही रिकॉर्ड कर पाई थी तो सीरीज़ को भी कंटिन्यू करूँगी आई थिंक उसका एक या दो पार्ट आई थिंक रहते हैं बस इतनी लंबी सीरीज़ नहीं थी बस एक या दो पार्ट उसके रहते हैं तो वो करेंगे और और फिर देखते हैं साथ साथ तो अभी हम चलते हैं अपनी वर्क प्लेस पर क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और मैंने भी अपनी वर्क प्लेस देखनी है और माशाला छत काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है मामा ने मुझे बताया था कि उन्होंने पीछे से सारी छत साफ़ करवाई है तो अब इन छत भी साफ़ हो होगी तो इन अब सारे टेक्स्चर्स सारे नहीं लाइक कुछ टेक्सचर्स मैं अपने बाहर रखूँगी इन स्लैब्स पे ये स्लैब मैं लास्ट टाइम थोड़ी सी रीन्यू करके गई थी मैं इस पर सीमेंट वगैरह का कोटिंग करके गई थी और ये वाली छत ये वाली स्लैब जब रीन्यू होने वाली रहती है तो इसे भी इन रीन्यू करूँगी लेकिन धूप इतनी तेज़ है लाइक मुझे नहीं लगता कि बाहर बैठ के वर्क करना पॉसिबल है सो so, अभी तो फ़िलहाल अंदर ही चलते हैं देखते हैं और माशाला बहुत बहुत साफ हो गया छत लाइक बहुत ज़्यादा गंदी थी ये जगह ना लेकिन अब अलहमदिल्ला छत भी काफ़ी साफ हो गई सो लेट्स गो इन साइड और अपनी वर्क प्लेस को देखते हैं इतनी देर बाद okay. मुझे ना जब भी मैं काफ़ी देर बाद आती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो डर लगता है कि कोई कीड़े शीड़े ना हो क्योंकि एक दफ़ा छुपरी मुझे मिली थी खैर ओह माशाल्लाह मेरी प्यारी प्यारे प्यारे टेक्सचर्स प्यारी, प्यारी, प्यारी वर्क प्लेस और लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने ये इतनी इतनी जल्दबाजी में मैंने ये वीडियो बनाई थी क्योंकि रात हो चुकी थी आ, इशा का टाइम चल रहा था और अंधेरे में मैं ये वीडियो बना रही थी और मेरे इस फ़ोन की अपनी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी फिर मैंने दूसरे फ़ोन की फ्लैश ऑन करके ये वीडियो बनाई थी और आई थिंक हाँ यहाँ से बस मैंने बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाई थी मैं ऑलमोस्ट इसको बीच में छोड़ने वाली थी लेकिन मैंने कहा नहीं इसको कम्प्लीट कर लूँ और ये तो फिर मैं टेक्स्चर्स ऐसे ही छोड़ गई थी जो कि मुझे लगता है कि ड्राई हो चुके होंगे क्योंकि लाइक आधे महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका हुआ है और लाइक हाफ मंथ के बाद ऑलमोस्ट मैं आ रही हूँ अपनी छत पे मुझे लगता है आई थिंक मैं टेन और एलेवन को लास्ट आई थी तो पूरा आई थिंक एक महीना आधा भी नहीं पूरा एक महीने बाद मैं अपने छत पर अपनी वर्क प्लेस पर आई हूँ सो आई थिंक ये टेक्सचर्स भी ड्राई हो चुके होंगे लेट्स सी लेकिन अभी मेरा मेन कंसर्न जो है वो वो टेक्सचर्स हैं जिनके मैं वीडियो नहीं बना कर गई सो so, सीरीज़ में मैंने एक ये पार्ट ऐड करना था और एक ये पार्ट ऐड करना था लेकिन आ, उस दिन तो टाइम नहीं बचा था कि मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करती तो सीरीज़ के ए, ये दो तो लाजमी इनशाला पार्ट्स आएंगे लेकिन आ, ये डर्ट वाला भी मैंने टेक्सचर रखा हुआ था इसके भी चंक्स निकलेंगे तो अगर इसके चंक्स निकले तो फिर मैं इसको भी सीरीज़ में शामिल करूँगी अच्छा और सीरीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सीरीज़ जो थी वो बेसिकली वाटर क्रम्बलिंग सीरीज़ थी नॉट ओनली वाटर क्रम्बलिंग बट मोस्टली वाटर क्रम्बलिंग बट चंक्स की सीरीज़ थी लाइक like, uh, जो ह्यूज चंक्स है ना उनकी सीरीज़ थी तो जिन जिन टेक्सचर्स के मैंने चंक्स बनाए थे मैं उनको ही सीरीज में ऐड करूँगी बाकी कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप प्लीज इसमें ड्राई क्रम्बलिंग भी ऐड करें और uh, uh, मतलब फ्लोर क्रम्बलिंग ऐड करें तो ऐसा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सीरीज़ सीरीज लाइक इट्स लाइक सेम थिंग सो so, सीरीज़ में मैं सिर्फ सिमिलर चीज़ें करूँगी बट डिफरेंट टेक्स्चर्स के साथ सो इनशाला डोंट वरी ड्राई क्रम्बलिंग फ्लोर क्रम्बलिंग की भी वीडियोज़ आएंगी सो so, इतने देखें माशा इतने इतने टेक्स्चर्स रेडी हैं तो बाकी टेक्स्चर्स की तो ऑलमोस्ट फ्लोर क्रम्बलिंग ही रिकॉर्ड होगी और मैंने भी ड्राई क्रम्बलिंग को बहुत मिस किया लेकिन वाटर क्रम्बलिंग भी बनाना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मैंने बहुत अरसे से वाटर क्रम्बलिंग नहीं की थी तो लोग वो मिस कर रहे थे सो डोंट वरी हर चीज़ का बैलेंस होगा मेरे पास बहुत बहुत आइडियाज़ हैं बहुत मैंने सोचा हुआ है कि इसके स्ट्रक्चर की क्या क्या मैंने वीडियो बनानी है इनशाला इनशाला इन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये इन दिनों में रिकॉर्ड करूं और अब इन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अब इस चैनल पे अब इतना ब्रेक ना लाऊं वन मंथ का जो ब्रेक आ गया लाइक like, चलेंगे तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी कॉज की वजह से ब्रेक था लेकिन आ, मैं आ गई थी लास्ट मंथ ही आ गई थी मैं वापस लेकिन बस बिजी बहुत थी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी जिसकी वजह से फिर मैं नहीं आ सकी और मैं चाह रही थी कि मैं एक दफ़ा तसल्ली से जाऊँ सो मैं तसल्ली से आई हूँ और अब मैं आज इन श्ला जितना मुझसे हुआ मैं रिकॉर्ड करूँगी वीडियोज़ और अब मेरी कोशिश होगी कि, कि इतना बड़ा गैप ना आए चैनल पे मैं हर दफ़ा कम बैक करती हूँ और फिर चली जाती हूँ ब्रेक पर तो मुझे खुद भी अब बहुत बुरा लगने लग गया कि मैं आप लोगों को ऐसे छोड़ के चली जाती हूँ बट इनशाला अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर रहूँ और मैंने कुछ और भी प्लान्स किए हैं लाइक एक मेरा और भी प्लान बन रहा है किसी चीज़ का तो वो भी मैं आ, जल्दी रिवील करूँगी अगर तो मैंने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया तो सो आई थिंक बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं इस व्लॉग में और इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को जस्ट अपडेट ही देनी थी कि मैं क्यों थी गायब थी और अब क्या प्लान्स हैं और अब मैं अलहमदिल्ला वर्ल्ड प्लेस पर आ गई हूँ सो डोंट वरी अब न्यू बॉम बेस्टिक वीडियोज़ आएंगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह और न्यू टेक्स्चर्स भी आएंगे आई विल ब्रिंग सम न्यू टेक्सचर्स एज वेल सम प्योर टेक्स्स आल्सो क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप प्योर टेक्स्चर्स भी बनाएं तो प्योर टेक्सचर्स भी आएंगे, क्रिटी भी आएंगे, न्यू टेक्सचर्स भी इतने आएंगे। मैंने इतने टेक्सचर्स के कॉम्बो लिख के रखे हुए हैं लेकिन बस टाइम नहीं होता जिसकी वजह से मैं वो टेक्सचर्स नहीं बना पाती वरना मेरा भी दिल करता है कि मैं डिफरेंट से डिफरेंट टेक्स्चर्स बनाऊँ मेरे पास बैक इन द टू थाउजेंड मेरे पास बहुत सारे टेक्स्चर्स थे लाइक मेरे पास ब्लैक मर्ट थी मर्ट के टेक्स्चर्स थे और भी काफ़ी टेक्सचर्स थे बट मैं अब जो है वो अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं टेक्सचर्स को रीन्यू कर सकूँ या न्यू टेक्सचर्स बना सकूँ लेकिन इन न्यू टेक्सचर्स भी आएंगे और जो मैं अपने साथ न्यू कुछ टेक्स्चर्स लाई हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी बट अभी के इस व्लाग में इतना ही काफ़ी है बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों के साथ बातें कर ली अब नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी वीडियोज़ के बारे में भी बताऊँगी हो सकता है वो क्रमलिंग ब्लॉग भी हो सो स्टेट यून फॉर दैट इनशाला आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन इसके बाद वाला पार्ट लास्ट में देखिएगा इन शाला वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है तो मुझे लास्ट में बताइएगा और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर गाइज़ अल्लाह हाफिज